म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर हिमेश रेशमिया की अपकमिंग एल्बम हैप्पी हार्डी एंड हीर का गाना तेरी मेरी कहानी गाने के बाद रानू मंडल का एक दूसरा वीडियो सामने आया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आरजे न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, जिसमें वो एक बार फिर से स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का फेमस गाना डफली वाले डफली बजा। गाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दे कि डफली वाले डफली बजा फिल्म सरगम का है, जो 1979 में रिलीज हुई थी। ये गाना ऋषि कपूर और जयाप्रदा पर फिल्माया गया था। इस सुपरहिट गाने को मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने गाया था। अब रानू मंडल ने एक बार अपने सुरीली आवाज से इस गाने में नई जान डाल दी है। रानू मंडल की जो वीडियो सामने आई है उसमें वो किसी स्टूडियो में बैठी हुई नजर आ रही है। रानू के इस वीडियो को बोडोलैंड कल्चर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पेज से शेयर किया गया है। रानू के इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। आपको बता दे कि हाल ही में रानू मंडल सोनी टीवी के रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर में मेहमान बनी थी, जहां उन्होंने सबके सामने अपना दर्द बयां किया था।